संभल के थाना बहुजोई क्षेत्र के गांव अचलपुर में दो बाइक सवार बदमाश आए और नाम लेकर उदयपाल को बुलाया। उदयपाल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बदमाशों ने उसे पकड़कर बाइक पर बिठा लिया। जैसे ही उदयपाल ने शोर मचाना शुरू किया, आवाज सुन ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया और पुलिस के हवाले बदमाश को सौंप दिया। हमारे घर पर नाम बूझू और आते तो दोनों पकड़ के लगा रहे, हमने मालूम ना कौन है कौन ना। अच्छा, फिर तो पकड़ के ले गए तो जबर ना बैठ लो लड़का तो जबर ये बैठा लो और आगे चले गए ताज मोटरसाइकिल में तो कूद गए वो और ये पकड़ लिया, ये बच गया। कौन से गांव के रहने वाले हो? क्या मामला था? मैं गांव में जा रहा था, ये लोग उधर से आए निकल के पास से, उन्होंने मुझे मुझे रोका तो रोक के मुझे मोटरसाइकिल बैठा गए, बैठा के चल साले मैं बैठ पर मैं फिर उन्होंने मेरा पकड़ के थप्पड़ मारा पीछे, मैं फिर कूद के मैं जबर लिया, फिर कूद के मेरा वो इनकी मोटरसाइकिल थी तो उसमें पकड़ वो तो भाग गए, उनको इनका घर में पकड़ के मैंने अपने घर के लिए खींच लाया तो गांव के लोग आ गए। तो क्यों बैठा ले, क्यों ले जाके जा रहे थे? अब मुझे बोला ये मुझे मार दिया क्या क्या करते, तुम जानते हो इनको? नहीं मैं नहीं जानता। सामने आया वो पूरा मामला क्या है, पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की है? पहली बात तो सुनो, समझ लीजिए अपराध जैसी कोई घटना नहीं हुई है, ये मामला संज्ञान में आया है अचलपुर ग्राम में बाबू और छन्नू जिनकी जमीन का विवाद है और होली के दौरान संज्ञान में आया, जैसा कि बाबू और संतोष ये लहरावन में शराब का नशा किया इन्होंने और वहां से अपने अचलपुर पहुंचे कि चलो जाके उसको उदयपाल और छन्नू को देख लेते हैं और वहां पे जाके इन्होंने आपस में मारपीट की, जिसको उदयपाल को संतोष ने जबरदस्ती बैठा लिया, मतलब जबरदस्ती नहीं कसी बैठा लिया। दोबारा लेना है